हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत तेज धूप है, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग जुले। हाँ, अरे थैंक यू। तो जब हम कॉटेज में रहते हैं तो ये लोग गर्म पानी थोड़ा दे देते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। इस समय सनरेज बहुत तेज है। इसमें धूप बहुत तेज है, इसीलिए चेहरे पे सनस्क्रीन और आंखों में ग्लास, ये मस्ट है। आप देखिए क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। हम मॉर्निंग टी ले रहे हैं। दिल्ली में तो इतनी सुबह लगभग 8 बजे होता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप सुबह 6 बजे होती नहीं। ये एक माउंटेन देखिए, ये पूरा, और लेक का ब्लॉक में आप देख ही रहे हैं, और एक कई सारे कॉटेजेज। पेंगोंग में एक नाइट हम रुके हैं, आई थिंक वन नाइट एनफ है, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा सा कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब बहुत अच्छे होटल्स या रिजॉर्ट या इस टाइप की चीज़ तो है नहीं यहाँ पे। कॉटेज में रुकना है, वो भी बहुत ही बेसिक एमिनिटीज़ के साथ, तो बेटर है वन नाइट। और हम लोग स्पैंगमिंग में रुके हुए हैं, तो आप भी आके यहाँ पे स्पैंगमिंग, जैसे ही आप लेक के साथ इंटर करते हैं उसके 5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो स्पैंगमिंग है। और इसमें रोड भी बड़ा अच्छा इन्होंने बना दिया है। पहले रोड बिल्कुल लेक के साथ साथ थी, लेकिन अब रोड को लगभग 10-12 फीट ऊँचा कर दिया है। नीचे वाली रोड नहीं है, ऊपर वाली रोड है, उसी से आना है आप लोगों को। तो ओके फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई चैनल ट्रैवलिंग ट्रेल्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू अदर वन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई ब्लॉग ट्रैवलिंग ट्रेल्स। आज हम बात करेंगे पेंगोंग झील के बारे में, उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो लद्दाखी भाषा में पेंगोंग का अर्थ होता है समीपता, और तिब्बती भाषा में सो का अर्थ है झील। पेंगोंग सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक लंबी सकरी गहरी लैंडलॉक झील है। 135 किलोमीटर लंबी झील के आकार में 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और अपने सबसे जो विस्तृत बिंदु है वहां पर यह 6 किलोमीटर चौड़ी है। क्या आपको पता है यह झील जो है खरे पानी का झील है, मीन्स सॉल्ट वाटर लेक है। इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा जो फिश और इस जीव जंतु हैं वो नहीं हो पाती हैं, और जाड़े में यह झील बिल्कुल भी जम जाती है, जिससे आइस स्केटिंग आप कर सकते हैं। खरा होने की वजह से इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीवन प्राणी नहीं है, परंतु इसमें कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। यह झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम बात कर लें इसका रणनीतिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो अगर हम LAC की बात करें, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो यह इसके मध्य से गुजरती है बीचों बीच। लेकिन भारत व चीन इसकी सटीक स्थिति के विषय में सहमत नहीं है। इस झील का 45 किलोमीटर लंबा पश्चिमी भाग भारतीय नियंत्रण में, जबकि शेष भाग मतलब 2/3 जो है चीन के नियंत्रण में है। दोनों सेनाओं के बीच अधिकांश झड़पें झील के विवादित हिस्से में होती हैं, हालांकि चुसूल वाले एरिया में। आप देखेंगे चुसूल के वजह से इस लेक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जो जैसा कि आपको पता होगा कि रेजांगला वाला युद्ध जो है, जिसमें इंडियन सैनिकों ने, जो हमारा कुमाऊं रेजिमेंट है, उन्होंने चाइनीज सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, और मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी और बहुत चाइनीज सैनिकों को नुकसान पहुंचाया था। तो इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। रेजांगला वाला युद्ध 1962 के आसपास हुआ था। फ्रेंड्स, लेक के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद हम आ जाते हैं अब लेक आने का बेस्ट समय कौन सा होता है। तो पेंगोंग आने का बेस्ट समय है मिड जून से लेके सितंबर तक, मतलब कुल 3.5 महीने, और इवन मिड अक्टूबर तक भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा चैलेंजेज हो जाता है।
और आने का बेस्ट रास्ता है आपका, आप डायरेक्ट लेह से पेंगोंग ना आके अगर आपको नुब्रा वैली जाना है तो बेटर है कि आप लेह से जो है खारतुंगला होते हुए नुब्रा वैली जाइए, हुंडर इंजॉय कीजिए और उसके बाद हुंडर से पेंगोंग आइए, न कि पेंगोंग से नुब्रा वैली जाइए मीन्स हुंडर जाइए और फिर लेह लद्दाख जाइए, तो ये बेटर रास्ता है।